नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत में इस वक्त क्रिकेट का त्यौहार आईपीएल खेला जा रहा है। एक के बाद एक रोमांचक मुकाबलों की बारिश हो रही है। इस समय पूरी दुनिया की नज़र आईपीएल पर ही है, क्योंकि इस लीग में ऐसे कई नए चेहरे और उभरते टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आएंगे, जिनका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया को याद रहेगा। अब ऐसे में जब आईपीएल पर सभी की निगाहें जमी हुई है, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस पर कोई बयान दिए बिना कैसे रह सकता है। आईपीएल को लेकर पाकिस्तान के खिलाड़ी हर बार कोई न कोई बयान देते ही रहते हैं। ऐसा ही कुछ महान तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की तरफ से भी देखने को मिला है। सभी जानते हैं कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत नहीं है, तो ऐसे में पाकिस्तान कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेता है आईपीएल से जुड़े रहने का। ऐसा ही कुछ शोएब अख्तर ने किया है, जहां उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का नाम लेते हुए कहा कि अगर वो आईपीएल में होते तो उनकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए होती। भारत के पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह के साथ बातचीत करते हुए शोएब अख्तर ने आईपीएल के मैच प्रीव्यू में कहा कि वो कितना रोमांचक क्षण होगा जब आईपीएल नीलामी में बाबर आजम को 15 से 20 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा और वो पाकिस्तान के सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। सिर्फ शोएब अख्तर ही नहीं, बल्कि उनसे पहले कई पाकिस्तानी खिलाड़ी और पत्रकारों द्वारा ये दावा किया गया है कि अगर मौजूदा समय के पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल खेलते तो उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए आईपीएल फ्रेंचाइज करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च कर देते। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।